मेरा नाम अभिषेक दास है, मैं IDBI PO 2019 क्रैक किया हूँ। मेरा आई बिलोंग्स टू फ्रॉम खोर्धा। मेरा बचपन से मेरा फादर मेंटली डिसऑर्डर है। 2008 को मेरे अंकल जी चले गए, जो बहुत सपोर्ट कर रहे थे हमारी फैमिली को। ट्यूशन भी करने लगा क्योंकि मुझे अपने खर्चे भी उठाना थे, क्योंकि फैमिली में उतना पैसा भी नहीं आ रहा था। कोई कहा है, तुम ये जॉब क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम कर नहीं पाओगे। बीच में भी टूट गया था, मतलब इतना प्रेशर आ गया था मेरे दिमाग में, क्योंकि फैमिली को भी सरवाइव करना था और बहुत टाइम भी कम था। मैं प्रभासिन दास और पुआ अभिषेक दास मामा है भी, और जॉब सुनिकी बहुत खुशी हेली, आते खुशी हेली एते खुशी हेली मो आखिरे लुह बोई पड़ला। बहुत कष्ट करी मो पुआ बाट बढ़ी मोर से गोटे पु आड़ा मोर आमती ता छड़ा मोर के ना ताको सब आशा भरसा मोर से ही सब सब चाहे कि मो पुटे के भल पढ़ू भल पढ़ ना रखू आया भी मो मनोकामना पूर्ण कला बहुत खुशी। मो ना श्री श्री मनोज रंजन अभिषेक दास बापा भी मु तीन दिन तले मो पु चाकरी पाए शुणी मु बहुत खुशी। मो अभिषेक बड़ बापा मो ना मानस रंजन दास तार सफलतारे मु बहुत खुश। मो ना मीर रंजन दास मु अभिषेक दादा हेबी आर रिजल्ट रे बहुत खुशी। मो ना संजुक्ता पटनायक मु अभिषेक खुड़ी मु बहुत खुशी। सी एत परिश्रम कै रातिर आम पार्टी कर शोए नहीं बोली राति तीन टा चार पर्यटन से बस बहुत परिश्रम कै परिश्रम रिजल्ट पाई बहुत खुशी। तक अभिषेक गोसीमा अभिषेक जिते परिश्रम करें ता बापा मुंड खराब दोष रू सब चिंतित थी केमी ता पु गोटे चाकरी पाइली ता बाबार दुख जीव तेणु से दिन मुझे जोबले आस शुणीदेली मिठा मो पटी में माड़ा मुझे एत खुशी कुंडे पकईली कुंडे पक मो दिवर घर को मिठा नहीं धाईक पड़े मत ये खुशी से दिन आखिरु खाली लुह गला केमी मनीष हम बोली भगवान को इच्छा रु सब डाकी डाकी आज मो मनस्कामना पूर्ण हो। मु अभिषेक बड़ मामा तार सफलता शुणी मु बहुत बहुत खुशी। तार पिला बेलु एपर्यंत ता जीवन रे बहुत दुख कष्ट झड़ झंझा दे से गति करी आसी अछि, तेणु तार भविष्य जीवन उज्जवलमय आ सुखमय हो। ठाकुर निकट रे एतिक मात्र प्रार्थना। ता परिवर्ते एतिक ताकु मोर कहिबार अछि जे तू जोठी रह पाखरे रह बा दूरे रे रह तू जेड़ा बड़ा चाकरी करे तो बापा माँ को तु हताधार करूनि कि जीवन रे केबे भूलिबू नाही। वर्तमान जेतिके खुशी लागुची दि एटा तु कर्तव्य पालन करिबू ताले समाज आजि देखिब आउ याठु 100 गुण उत्साहित हबो। मो ना अविनाश दास मु अभिषेक मोर होची सान भाई। वर्तमान मु जेबडु सुनलिनि तरे चाकरी जो दिन ठूँ है तो मु बहुत खुशी आहुची सी बहुत आग को जाऊ प्रमोशन पाऊ बहुत बड़ पोस्ट को जाऊ तो बहुत पैसा
इनकम करूँ। मैं जब स्टार्ट किया मतलब मेरा जो ये कॉम्पिटिटिव लाइन को आने के लिए, मैं तो छोटे बच्चे से मेरा एम था कि मैं साइंटिस्ट बनूं, तो इसलिए बहुत भी ज़्यादा भी परिश्रम किया था मैंने, तो इसलिए मेरा भी साइंटिफिक क्रिएटिव नेचर भी बहुत है। मतलब मैं कुछ भी कुछ बना देता हूँ नया चीज़, मेरा थॉट कुछ नया होता है, तो इसी वजह से मैंने सोचा साइंटिस्ट बन जाऊँ। तो मैंने तो जब शुरू किया तो लगा कुछ कमी हो गई, मतलब मेरे फैमिली का कमी हो गई, तो मैं सोचा मैं देखा मेरे फैमिली का इकोनॉमिक सिचुएशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर लाइन को आया कि मैं कंप्यूटर लाइन को आगे मैं थोड़ा खुद को इम्प्रूव करना चाहा, तो मैं खुद को स्टैंड अप करना चाहा, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा मेरा जो एम था। तो मैं उस और आया कॉम्पिटिटिव लाइन में, मैं देखा कि बहुत ह्यूज टैलेंट है, मतलब बहुत सारे बच्चे जो कि मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत मैंने नॉलेजियस है, तो उनको मार्क देना था, तो इसलिए मैंने बहुत परिश्रम भी किया, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा किया, दिन रात मेहनत किया। तो मैं रूम शेयरिंग करके रहा, उसके मैं रूम शेयर करके रहा, कुकिंग अलावा मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी किया, 6 आवर दिया, तो उसके बाद मेरा खाना पीना के बाद पढ़ने के लिए मेरा 4 घंटा था, मतलब 4 घंटा ही मैं दे पाता था पढ़ने के लिए, और ये बहुत दिक्कत हो जाता था पढ़ने के लिए। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लिया, जो भी हो मुझे करना ही करना है, इसलिए मैं बहुत मेहनत किया इसके लिए। मैं इंग्लिश के लिए मैं 2 हिंदू पढ़ा, बहुत मतलब जितना हो सके मैं उतना पढ़ा, और करंट अफेयर भी बहुत मतलब रेगुलरली पढ़ा। तो मैथ रीजनिंग और इसके लिए मैंने डेली प्रैक्टिस सेट दिया, और इसको सॉल्व भी किया जितना हो सके मेरा से सॉल्व भी किया, और बाकी रहा और नॉलेज गेन के लिए और दूसरे बच्चों से मिला, वो कितना नॉलेज जानते उनसे भी गेन किया। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं घर के काम भी सपोर्ट किया, मतलब मैं घर का एक ही लड़का हूँ, तो घर के काम भी मैं मतलब जितना भी काम होता था मैं घर लौट के मैं घर का काम भी कर रहा था। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मैं इस मतलब ये जो क्लियर करने के लिए, बट फाइनली मैं सक्सेस कर लिया और IDBI PO को क्रैक कर लिया। वो बहुत ही खुशी लगा जब मैंने ये IDBI PO क्रैक किया, मतलब इतना मेहनत किया था और फैमिली को खड़ा करना था, मतलब खुद के पैर में मैं खड़ा करना था, इसलिए मैं बहुत खुश हुआ। और आज भी मैं फील करता हूँ मैं खुद खड़ा हो पाया हूँ, मतलब मैं खुद मेहनत करके खड़ा हो पाया हूँ और मेरे फैमिली को बहुत सपोर्ट कर पाएंगा इन फ्यूचर। जब ये रिजल्ट निकला, मतलब IDBI PO का रिजल्ट निकला, मैं पार्ट टाइम जॉब में था, उस टाइम मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मतलब 6 घंटे पहले उस रिजल्ट का निकले के 6 घंटे पहले मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, तो मैंने रिजल्ट नहीं देखा, तो मुझे दोस्तों ने फ़ोन किया, शाम को फ़ोन किए कि तुम्हारा हो गया है, निकल गया है तुम्हारा यस IDBI PO का मेन रिजल्ट निकल गया है और यू हैव क्वालिफाइड इंटरव्यू। तो मुझे उस टाइम बहुत खुशी लगा, मतलब मेरा आंसू मेरा आंसू बंद नहीं हुआ, मतलब जितना दिक्कत हुआ था मतलब फैमिली के लिए वो आंसू पर खुशी से निकल रहा था उस टाइम। तो मैं दौड़ के आया उस दिन, तो दौड़ के आया, स्पेशली मैं उस टाइम मैं फ्लावर लेके आया था मेरे मदर के लिए और मेरे मदर फादर और ग्रैंड मदर के लिए, बड़े पापा बड़े मामा और फैमिली के लिए पूरा फूल लेके आया था और उसके साथ स्वीट्स भी लेके आया था, और उस टाइम फ्रेंड के लिए भी फ्लावर एंड स्वीट्स भी लेके आया था। और वो तो उस टाइम जान नहीं पाए कि क्या हुआ, ये इतना खुश क्यों हुए, फ्लावर क्यों लाया, तो वो सब खुश हो गए, मतलब जब सुने मुझसे कि मेरा जॉब हो गया है तो वो खुश हो गए। मेरा ग्रैंड मदर वो चल नहीं पा रहे थे, मतलब उस टाइम तो वो हद पार कर दिया, वो तो चल बसे वो आधा किलोमीटर चल बसे वो टाइम बहुत मतलब एनर्जेटिक था मेरे लिए और बहुत एक्साइटेड भी था और बहुत खुशी भी था।
वो एक्सप्लेन भी मैं कर नहीं सकता वो उस टाइम देख के सबको। और जो मैं मेहनत किया हूँ उसका क्रेडिट मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल माय मदर एंड फादर को जाता है, और उसके बाद मैं ग्रैंड मदर को दूंगा, वो बहुत ही सपोर्ट किए मुझे फाइनेंशियली। देन मेरा अंकल अंकल आंटी एंड बड़े पापा बड़े मामा भाई और सब भाई और मेरे फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स है वो बॉयज़ हो कि गर्ल्स हो वो भी सपोर्ट किए। मेरे कलीग्स जो भी काम कर रहे हैं मेरे पार्ट टाइम जॉब में वो भी सपोर्ट किए, वो सब सपोर्ट किए मुझे, जितने भी सार है वो भी सपोर्ट किए। बहुत खुशी मिलता है जब उन्होंने भी मुझे देखा कि मैं पा गया हूँ, वो भी खुश हुए बहुत खुश हुए सब भी खुश हुए सब भी आज भी सब जितने भी मुझे मिल रहे वो भी सब खुश हो रहे, मुझे दोस्त भी मिल रहे फ़ोन भी कर रहे अरे तेरा जॉब निकल गया कब दोगे पार्टी। मैं कहा दूंगा दूंगा, मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था इसके लिए वो IDBIPO के लिए वो जब निकला था उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मतलब बहुत ही सीरियस होकर स्टार्ट किया। मतलब मैं सुबह मेरा अभ्यास ही है मैं उठ जाता हूँ से 4:30 to 5 उठ जाता हूँ, तो उठ के मैं फ्रेश होके मैं चला जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो उसके आने के बाद मैं कुछ ना धो के मेरा काम ख़त्म करके तो मैं 7:30 से निकल जाता हूँ वो पार्ट टाइम जॉब के लिए, तो आता हूँ मैं काम ख़त्म करके 1:30 को। उसके बीच में फास्ट मॉर्निंग से मैं खाना बना दे के जाता हूँ, दो भाई रहते थे हम दो भाई के लिए खाना बना के जाता था। तो उसके बाद मैं आने के बाद मैं खा के थोड़ा रेस्ट लेके मैं जाता था लाइब्रेरी में मैं 9 उसके 8:30 मैं रह पाता था। उसके बाद मैं निकल आता था लाइब्रेरी से, तो देन मैं खाना बना रहा था खाना बनाता हूँ मतलब रात के लिए दो भाई के लिए। तो उसके बाद मैं कुछ पढ़ाई करके देन मैं सो जाता हूँ, मतलब मुझे सोने के लिए सिर्फ 4 घंटा या 3 घंटा भी रेस्ट ले पाता हूँ। मेरा बचपन से मेरा फादर मेंटली डिसऑर्डर है और मेरा मदर हाउसवाइफ है। मेरा जो फैमिली का जो खर्चा चल रहा था वो ग्रैंड मदर के पेंशन के बदौलत चल रहा था, तो उसी भी मतलब टेंथ तक तो मैं वो ग्रैंड मदर के पैसे से भी चल रहा था। देन मैं पढ़ाई भी उसी के दौरे ही चल रहा था। जब एक तो दिक्कत आई जब मेरे अंकल जी चले गए, मतलब 2008 को मेरे अंकल जी चले गए जो बहुत सपोर्ट कर रहे थे हमारी फैमिली को, वो चले गए उस टाइम दिक्कत हुआ था। मतलब वो बहुत सपोर्ट कर मॉनिटरी भी सपोर्ट किए थे, वो बहुत दिक्कत हुआ था उस टाइम। देन 10th के बाद मैं अच्छा ना स्कोर हुआ तो मैं चला गया बेसिक साइंस ह्यूमैनिटी कॉलेज OUET, सो वहाँ पर पढ़ाई किया अंकल के पास रह के और एक अंकल के पास रह के, तो वो बहुत सपोर्ट किए उसी टाइम। देन मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया, मेरा मुझे फिजिक्स पढ़ना था इसलिए मेरा थोड़ा कम स्कोर रहा इसलिए मैं फिजिक्स करना था, तो मैं वापस मेरा घर आ गया। तो वहाँ पर जो कॉलेज था अच्छा है, वहाँ पर मुझे फिजिक्स भी मिल गया। उस बीच में ट्यूशन भी करने लगा क्योंकि मुझे अपने खर्चे भी उठाना थे क्योंकि फैमिली में उतना पैसा भी नहीं आ रहा था ग्रैंड मदर के, सो उनको सपोर्ट करने के लिए मुझे खुद पैसे जनरेट करने पड़ा। सो मैं ट्यूशन करने लगा, उसके बाद मैं आया जब कंप्लीट हो गया मेरा ग्रेजुएशन, तो उसके बाद मैं ज्वाइन किया कॉम्पिटिटिव लाइन। तो उसमें मैंने मेरा पूरा टोटली इंडिपेंडेंट मेरा फैमिली से इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब मैं खुद स्टडी किया और भी मैं ट्यूशन भी करने लगा। देन मुझे ये पार्ट टाइम जॉब मिला काम करने के लिए 6 घंटे और मनी भी मिले कुछ पैसे भी मिले, उसी पैसे से मैं खुद का जो सर्वाइवल है वो किया और कुछ अमाउंट जितना भी हो सके मुझसे वो जितना भी हो सके वो मैं फैमिली को दिया हूँ, मतलब कभी कुछ चाहिए तो मैं दिया हूँ। इसी तरह मैं आज तक तो इतना ही मतलब इसी तरह ही चला हूँ, काफ़ी कुछ बहुत ही कुछ है
मतलब किस कोई कोई मुझे कहा है तुम मतलब कोई कोई कहा है तुम ये जॉब क्यों क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम कर नहीं पाओगे। घर में भी बोले, मुझे ग्रैंड मदर भी बोले तुम क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे आते ये नहीं होगा, तुम छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हें फैमिली को सर्वाइव करना है, इसलिए तुम ये लाइन छोड़ दो और तुम और कुछ कहीं पे चले जाओ, वहाँ पर जॉब कर लो और वो फैमिली को उठा लो, मतलब फैमिली के लिए कुछ कर लो। ये मैंने ठान लिया था, मैं करना है तो करना है। बीच में भी टूट गया था, मतलब इतना प्रेशर आ गया था मेरा दिमाग में, क्योंकि फैमिली को भी सर्वाइव करना था और बहुत टाइम भी कम था। मेरा माँ भी बहुत मतलब बहुत रोए है उस बीच, मतलब इनका बहुत तकलीफ हुआ था। तो उनको देख के मुझे लगा तो चलो छोड़ देते, तो मैं निकल गया कुछ, मुझे आया मतलब ऐसे ट्रांसपोर्टिंग आया जॉब, और कुछ ऐसे जॉब आया तो ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी मैं गया था, मतलब बुझने क्या है ये क्या जॉब प्रोफाइल है, तो मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो वहाँ से मैं चला आया और फिर कंटिन्यू किया। मेरे मदर को ग्रैंड मदर को समझाया कि मैं करूँगा, जितना भी हो सके मैं मेहनत करूँगा और मैं इस नौकरी को निकालूँगा, जो भी नौकरी आ रहा है मतलब उसको निकालूँगा। उसी बीच IDBI PO आया और मैंने प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांगली स्टार्ट किया, मतलब मेरा खाना पीना सब भूल गया, इतना मेरा तो उसी बीच मेरा तो एसिडिटी भी निकल गया, मतलब इतना एसिडिटी हो गया था कि मैं खा नहीं पा रहा था, बहुत बहुत तकलीफ हो गया था। तो मैं मेहनत नहीं छोड़ा, तो मेहनत किया, तो मेहनत करने के बाद जब निकला ये जो रिजल्ट आया, तो वो तो मतलब इतना मुझे लगा जैसे मैं आसमान दुनिया से मतलब इतना बड़ा सरप्राइज था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वो दिन तो बहुत ही खास था, आज भी बहुत ही खास है। मेरे फैमिली भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आज बहुत ही मतलब सपोर्टिव हो रहे, सपोर्टिव है मेरी फैमिली। मैं तो आपने तो देखा मैंने तो कितना मेहनत किया हो, बट मैं जो किया हूँ तो आपको तो उतना ही करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो बहुत टाइम, किसके पास टाइम कम है और किसके पास टाइम भी ज़्यादा है, तो वो उसको टाइम को यूटिलाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना होगा, मतलब कौन सा जॉब चाहिए उसको फर्स्ट टारगेट करके स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना होगा। उस जो स्ट्रैटेजी बनाए उसके लिए उसके अकॉर्डिंग क्या आप कर चुके हैं और क्या आप करेंगे उसको देखना होगा, देन अकॉर्डिंगली आप प्लान बना के उसको पढ़ेंगे, मतलब मेहनत करेंगे। आप मेहनत करिए और उसके बाद स्मार्ट वर्क भी कीजिए, क्योंकि मैं भी मतलब मैं जब पढ़ रहा था उसी बीच मैं मुझे तो 4 घंटा कि 5 घंटा मिल रहा था पढ़ने के लिए, तो उसी बीच मैं पढ़ रहा था और मतलब मैं हार्ड वर्क कर रहा था उसके और स्मार्ट वर्क भी कर रहा था, क्योंकि मुझे मेरे पास टाइम नहीं थे उतना अभी आप दे पाए, तो उतना जो आपके पास टाइम है तो आप बहुत ही कुछ कर पाएंगे। ये तो जो बैंक जॉब है ये तो छोटा सा है, आप तो कहीं से कहीं जा सकते हैं। अभी आप मेहनत कर रहे हैं और एक चीज़ ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत वो जो काम करना है मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो फास्ट है आपकी प्रायोरिटी है। जो सेकेंडरी है उसको मत भूलना चाहिए, क्योंकि वो सेकेंडरी आपका फैमिली भी है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए, फैमिली के लिए जो भी करना है वो भी ध्यान रखना चाहिए। और भी है, जब पढ़ाई कर रहे हो सबको रेस्पेक्ट भी देना सीखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई आपको वो भी सब कुछ सिखाएगा, क्योंकि ये पढ़ाई भी एक ही माध्यम है जो आपको नॉलेज भी देगा, आपको सब कुछ ही सिखाएगा, मतलब क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मतलब किस तरह आप सर्वाइव करेंगे। हमें मतलब मैं तो जब ये बैचलर लाइफ में रह रहा था, मतलब बैचलर जो हॉस्टल लाइफ में रह रहा था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे कुकिंग करेंगे और किसके साथ कैसे बातें करेंगे वो सब मैं ऑब्जर्व कर रहा था। और आप भी ऐसे भी मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ सीखने के लिए नहीं है, बट आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ जो कि मेरे फ्यूचर में बहुत काम देगा, मैं ये जान चुका हूँ। मैं बानिक में फंडामेंटल क्लास लिया हूँ,
तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं तो जब गया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ पता नहीं था, मतलब क्या चल रहा है, क्या क्या रीजनिंग है, क्या मैथ है, उसमें क्या है, वो कुछ पता नहीं था। मतलब जब मैं फंडामेंटल क्लास किया मुझे बहुत अच्छे अच्छे मतलब बेस्ट फैकल्टी मिले, जो कि मुझे मैथ में इतना एक्सलेंट मतलब लगा। जब मैं मैथ पढ़ रहा था लगा कि मुझे मेरे मुँह में सब मैथ होगा, रीजनिंग भी मैं मुझे लगा वो सबसे आसानी है। वो सर जब पढ़ा रहे थे मुझे लगा बहुत ही आसान लगा। इवन पजल भी मुझे बहुत आसान लगा, क्योंकि वो बहुत सपोर्टिव भी थे। वो मुझे बाद में क्लास के बाद में भी मुझे वो पढ़ाए, मतलब मैं जब भी क्वेश्चन लेके गया था वो क्लास के बाद में मुझे सॉल्व किए थे, मैथ टीचर भी सॉल्व किए और बाकी इंग्लिश क्लास भी बहुत ही अच्छे थे। जीके क्लास तो वो तो मुझे लग रहा था सर मतलब इतना कुछ जानते हैं, मुझे लग रहा था वो तो जीनियस है, मतलब जो भी पूछो वो तो आंसर ही दे देते थे मुंह में। मेरा ये था कि मैं कभी मतलब मुझे सीखने का बहुत ही मतलब आदत है, मुझे जो भी करता हूँ मुझे बहुत सीखने की बहुत आदत है। सो इसलिए मैं कभी क्लास मिस नहीं किया हूँ, हर एक क्लास किया हूँ। इवन मैं ऐसा किया हूँ कि और किसी दूसरे क्लास में चला गया था मतलब पढ़ने के लिए, इतना अच्छा लग रहा था कि दूसरे क्लास में चला गया था बहुत सार क्या पढ़ा रहे पढ़ने के लिए। इंटरव्यू क्लास जो मेरा तो कुछ नहीं हुआ नहीं था, मैं इंटरव्यू क्लास भी अटेंड किया हूँ उस टाइम, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने जो जीके क्लास किया था मेरा तबीयत ख़राब था, मतलब मुझे सर दर्द हो रहा था, फिर भी मैंने उस टाइम जीके क्लास किया था। वो बहुत मेरे लिए बहुत वो बैनिक फैकल्टी इतने सपोर्टिव थे कि मुझे उनको छोड़ के आने का मन नहीं था, इसलिए मेरा तबीयत ख़राब हो पर मैं पढ़ूँगा इसलिए था। और बैनिक के जो बुक्स है वो तो मतलब उस टाइम जब फर्स्ट प्रिपेयर करता था मुझे लग रहा था ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पर ये जब किया पता चला कि ये तो पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मतलब वो पीओ के एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। जीके भी पीओ के जो जीके जो सर जो नॉलेज दे रहे थे वो सब पीओ के ओरिएंटेड थे। मैं बहुत ही नॉलेज गेन किया उनके साथ। इंग्लिश भी वो सिनोनिम एंटोनिम दे रहे थे, वो बहुत ही काम आया मुझे। मैं एक और बार मैं एयरफोर्स में भी क्रैक हुआ था, मेरा जो इस पर जो सिनोनिम एंटोनिम वो मैंने ग्रैब करके। और बैनिक के करंट अफेयर मटेरियल वो बहुत, मैं तो हर रोज़ करंट अफेयर मटेरियल ही ले रहा था, मतलब उनके मैंने प्रिपरेशन के लिए ये जो IDBI का एग्ज़ाम था उसके लिए मैं करंट अफेयर का मटेरियल उनसे ले रहा था, क्योंकि वो कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट मतलब हर एक पर्सन मिस नहीं किए थे, सब नॉलेज दिए थे उसमें, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी भी मैं बैनिक मटेरियल मतलब करंट अफेयर अभी भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो सारे कंप्लीट न्यूज़ उसमें रहता है।